पहले फोकस करो, फिर फोकस चेक करो। तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो गया नाश्ते का, और आज का नाश्ता बहुत ही सही बना है। आज नाश्ते में बना है उपमा और हाफ फ्राई ऑमलेट बना है। ये देखिए, बिस्किट क्या कर रहे हैं मेरे लिए? अच्छा दिखेगा ना। ये हाफ फ्राई ऑमलेट है, ये उपमा है, बहुत मस्त दिख रहा है। वेलकम टू गाइस टुडेज ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं एक फोटो शूट करने के लिए, जो कि मेरे घर के पास में ही करने वाले हैं। तो अभी मैंने उन्हें शॉप पे बुलाया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जल्दी से मैं निकलता हूँ और आपसे बाद में बातें करता हूँ। ये सारा हमारा बिहाइंड द सीन का चल रहा है अभी। तो ये सारा सेटअप है आज का, ये कॉस्ट्यूम्स हैं आज के और अभी शूट का। हो गया है ख़त्म और अभी पैकअप कर रहे हैं, अभी घर जा रहे हैं, निकलेंगे यहाँ से। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अभी टाइम हो गया है लंच का। तो आज लंच में बहुत ही अच्छी चीज़ें बनी है। दाल है और कद्दू की सब्जी बनी है आज लंच में। मैंने अभी बटर नट बनाया है, मैं जस्ट अभी बाहर से आया हूँ, तो थोड़ा थकान थकान लग रहा था इसलिए। तो गाइस, आज का शूट बहुत अच्छा हुआ है। इस ब्लॉग के एंड में आपको सारे फोटोज़ में अच्छे अच्छे जो बेस्ट फोटोज निकले हैं वो अपलोड, मतलब इस वीडियो के एंड में डालूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो शूट हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत मज़ा आया। और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, मतलब एज अ मॉडल शूट या आउटडोर शूट, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैंने आज किया है जाके। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत, मैं अभी इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में देखने मिल गई होंगी, मतलब मिल जाएंगी ये, बिकॉज़ मैं उसके बाद में शूट कर रहा हूँ, शूट होने के बाद आफ्टरनून में, क्योंकि हमारा शूट 5 चेंजेस का था और 5 चेंज करने में ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे लग गए थे। हमने 8 बजे करीब शूट चालू किया था, 11 बजे तक हमारा शूट ख़त्म हो गया था। तो ये जो फ़ोटो शूट था, मतलब ये जिनका मैंने शूट किया, उन वो एक इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, और उनके लिए मैं ये शूट ऑलमोस्ट पिछले अक्टूबर या नवंबर से ही कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने होने आए हैं उनके लिए मैं शूट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। एंड काफ़ी मज़ा आता है, ऑलमोस्ट हर दूसरे या फर्स्ट हर वीक में ऑलमोस्ट शूट होता है उनका, और अलग अलग लोकेशन पे हमारा शूट रहता है। आज हमने मेरे ही एरिया में शूट किया, मतलब हमारे शॉप पे उनको बुलाया मैंने, तो वहाँ पे जो भी हमारा सेटअप वगैरह करना था ड्रेस वगैरह का, फिर हम जो अलग अलग लोकेशन मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा था वो लोकेशंस पे जाके हमने आज का फ़ोटो शूट किया, तो काफ़ी अच्छा था। तो मैं अभी आया हूँ छत पे, से बहुत बोर हो रहा था और काफ़ी से घुटन सी फील हो रही थी, तो मेरा तो क्वारंटीन सब ख़त्म हो चुका है, तो मैं अभी बाहर आ सकता हूँ, तो मैं इसलिए अभी ऐसे छत पे आया हूँ। और वो पीछे सनसेट हो रहा है मस्त एकदम, तो सनसेट देखते हुए थोड़ा सा
सनसेट देखते हुए थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। मस्से से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे यहाँ लोग मस्त वॉक वॉक पे निकले हुए हैं एकदम। अभी तो कम है, अराउंड 5-6 बजे करीब मस्त बहुत भीड़ रहती है। इसमें नहीं दिख रहा होगा बट उन्होंने उनके डॉगी को भी ये पहना रखे हैं, जूते पहनाए हुए हैं। 1 महीना पहले ही लगभग मैं यहाँ पे आया था छत पे। अभी छत पे आके ऑलमोस्ट महीना भर हो गया, बिकॉज ऑलमोस्ट जिस दिन आए थे उसके 3-4 या 5 दिन बाद ही मुझे फीवर आ गया था, तो आज 1 महीना हो गया जहाँ तक वापस छत पे आके, तो एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आया आप लोगों के लिए बनाने में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं एंड जल्दी ही आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हवाई चल रही है।